हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सॉरी फॉर द डिले, किसी कोई एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी परिवार में जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना सिलेबस का, कंसेप्ट्स ऑफ ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर, जो अपने सिलेबस में गिवन है। ठीक है, देखिए जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हमारे पास ना दो सोर्सेज हैं पावर को, जब हम लोड को देते हैं ना, कौन कौन से सोर्स हैं। एक तो हम डीसी सोर्स, यानी कि डीसी वोल्टेज यूज़ करें या एसी वोल्टेज यूज़ करें, करंट हमारा फ्लो करेगा और लोड के अक्रॉस जब होके जाएगा तो वहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ पावर क्या होगी, वीआई की फॉर्म में, यानी कि ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कुछ ना कुछ पावर की कंजप्शन होगी थ्रू वाया लोड। अगर हम डीसी का केस देखते हैं तो डीसी के केस में क्या, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं, वहाँ पर जीरो होती है फ्रीक्वेंसी। तो पावर की हमारी अगर बात करेंगे तो डीसी के केस में हमारी टोटली बात होती है ट्रू पावर की, वहां पे रिएक्टिव पावर का कोई काम नहीं, अपेरेंट पावर का भी, यहां पे ट्रू पावर का ही काम होता है किसमें, डीसी के केस में। अब हमारा केस क्या है, एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स में हमारे ये पावर, तीनों पावर किस तरह से हम मेजर करते हैं, ट्रू पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, अपेरेंट पावर क्या है, तीनों ही हमारी क्या होंगी, कंसिडरेबल होंगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रू पावर क्या होती है। देखिए एसी का केस है, डीसी के केस में तो पावर ट्रू रहेगी रहेगी, लोड कंज्यूम कर, लोड क्या होगा, रजिस्टिव होगा, प्योर रजिस्टिव। अब एसी के केस में भी जब हम ट्रू पावर की बात करते हैं या रियल पावर, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ट्रू पावर को हम, इसको हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं, इसको रियल पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी तरह का इस तरह का वर्ड आता है तो मीन्स क्या, आपकी ट्रू पावर की बात हो रही है। रियल बात पावर भी वर्ड यूज़ हो सकते हैं अपने वाइवा में या एग्जाम में, तो कंफ्यूज ना होए, वहाँ पे ट्रू पावर ही है वो। तो ट्रू पावर क्या होती है, ट्रू पावर होती है द एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट इज़ नोन एज द पावर, यानी कि जो रियल पावर है इसको हम रिएक्टिव एक्टिव पावर है, ये इसको हम सबको क्या बोलते हैं, ऐसी ये हमारी होती है, ये सिंपली पावर भी जो अगर वर्ड यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये बात हो रही है ट्रू पावर की। ठीक है, ये जो पावर है ना ट्रू पावर एसी के केस में, ये कंज्यूम की जाती है किसके द्वारा, रजिस्टिव लोड के द्वारा। जब भी आपका लोड रजिस्टिव होगा, यानी कि इंडक्टिव नहीं होगा, कैपेसिटिव नहीं होगा, यानी कि इंडक्टेंस की कैपेसिटेंस की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव जब लोड होगा और एसी वोल्टेज कनेक्टेड होगी उसके, तो वहाँ लोड के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम करेगा ये लोड, वो पावर हमारी होगी, एक्चुअल में कंज्यूम होगी, उसे हम बोलते हैं ट्रू पावर। इस ट्रू पावर को हम पी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है ट्रू, इसको हम वाट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोवाट में कर सकते हैं, मेगावाट में कर सकते हैं, ये इसकी होगी कैलकुलेशन, इनकी मेजरेबल इसकी यूनिट्स होगी। अब ये जो पावर है ये क्या होती है, वोल्टेज गुणा में किसका प्रोडक्ट है, करंट का और वोल्टेज का। अगर वोल्टेज को हम ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग आई इंटू आर लिखें तो हमारी पावर के दो फार्मूलाज रिप्रेजेंटेट होते हैं ट्रू पावर के, आई स्क्वेयर आर, ट्रू है या अपेरेंट पावर है कोई भी पावर है तो फार्मूले हमारे कौन से जनरेट होंगे एज पर द ओम्स लॉ, हमारे कौन कौन से होते हैं, वी आई के केस में हमारे आई स्क्वेयर आर और वी आई है तो यहाँ पे वी स्क्वेयर आर, यानी कि यहाँ पे हमने वी की वैल्यू क्या रखती थी, आई आर रखती थी, यहाँ पे इस आई की वैल्यू वी बाई आर रखती, तो ये दो फार्मूले से हमारे पावर के जनरेट होते हैं और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जब रजिस्टिव लोड है, जो एक क्या वर्ड यूज़ हुआ है, एवरेज पावर, एवरेज पावर मतलब कंप्लीट साइकिल हमारा जीरो से लेकर टू पाई तक हमारी एवरेज पावर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वी इंटू आई कैसे करेंगे। देखिए प्योर रजिस्टिव जब लोड होता है तो हमें पता है कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में चलते हैं, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि वोल्टेज के और करंट के बीच का जो एंगल है ना वो क्या होता है, आपका जीरो होता है, इसको बोलते हैं जीरो फेज डिफरेंस, है कोई एंगल का डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही फेज में चलते हैं वोल्टेज भी और करंट भी। देखिए थोड़ा सा ना वोल्टेज की वेव फॉर्म है ये, करंट की वेव फॉर्म थोड़ा छोटा किस लिए दिखा दिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअली एम्पलीट्यूड का भी कोई खास फर्क नहीं होता यहाँ पे, तो अंडरस्टूड रहे आपको कि ये मेरी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये करंट की वेव फॉर्म है, दोनों का फेज क्या, जैसे ये जीरो से चला, ये भी सेम टाइम पे पाई पे आया हाफ साइकिल पे अपना, ये भी सेम टाइम पे करंट भी हमारा पाई पे आया और इसी तरह से इसने कंप्लीट किया अपना एक टू पाई तक का साइकिल। आप देखिए जब मुझे पावर किसकी कैलकुलेट करनी है तो पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वेव फॉर्म से पहले भी समझ चुके हैं हम, इसी से समझिए वोल्टेज पावर क्या होती है, वोल्टेज गुणा में करंट, यानी कि वी गुणा में आई। अब देखिए ये जीरो से लेकर मेरे पाई तक, यानी हाफ साइकिल में वोल्टेज भी मेरी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की जब हम गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही चीज़ जनरेट होगी, यानी कि जो वेव फॉर्म आएगी वो दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का डबल एम्पलीट्यूड में एक प्रोडक्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया पी से पावर की वेव फॉर्म है ये। ठीक है, अब आगे हम पाई से लेकर टू पाई तक, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी हमारा नेगेटिव है, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव की गुणा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो पावर हमारी फिर भी क्या आई है, अपनी पॉजिटिव आई है, यानी कि जो एवरेज पावर हमें जो मिलती है ना ट्रू साइकिल, ये हमारे एक्चुअल में कंज्यूम करिए लोड ने, ये होती है हमारी ट्रू पावर। तो इस एक हमारा ना पावर का ट्रायंगल है, इससे अगर हम समझते हैं तो हमारे जो कोस यानी कि पावर फैक्टर पे हमारी ट्रू पावर किस पे बेस्ड है, हमारी पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, यानी कि कोस फाई, इस एंगल पे कोस फाई क्या है आपका पावर फैक्टर,
ये टोटल पावर है वी आई कोस फाई, लेकिन इसमें पावर फैक्टर कौन सी टर्म है, सिर्फ ये एंगल, एंगल कौन सा, ये कोसाइन एंगल कोस फाई। ये अंडरस्टूड हुआ है, ये समझ गए आप, पावर को ट्रू पावर को पी से रिप्रेजेंट करते थे। ये तीनों पावर के लिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करके समझाया थोड़ा सा आपको। क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी रिएक्टिव पावर का। रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये होती है हमारे एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, यानी कि साइन साइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ये पावर हमारी कहाँ पर जनरेट, ये पावर किसके लिए आ गया, क्यों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा समझ लो। वैसे डिस्क्राइब तो अच्छे से करेंगे हम रिएक्टिव पावर को भी। अब एस क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, रियल पावर का और इस पावर का, आपकी रिएक्टिव पावर का, इन दोनों का प्रोडक्ट है। यानी कि जो एस होता है वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर। इसको खोल के दिखा दिया और कुछ नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ है यहाँ पे, वी आई कोस फाई का स्क्वायर प्लस वी आई साइन फाई का स्क्वायर, वी आई कोस फाई आई वी आई का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई, ये इसकी वैल्यू हो जाती है वन। तो ये हमारे पास क्या बचा है, ये वन हो गया, तो हमारे पास बचा है वी आई का स्क्वायर, स्क्वायर से रट रूट कैंसिल हो जाता है जैसे कि आपको पता ही है। तो पावर हमारी जो ये जो अपेरेंट पावर बची है ना, जो हाइपोटेन्यूस है ना इस ट्राइंगल का, हाइपो ये परपेंडिकुलर बेस, बेस क्या था ट्रू पावर थी, परपेंडिकुलर क्या था हमारा रिएक्टिव पावर थी, तो हाइपो क्या हुआ हमारा अपेरेंट पावर इस ट्राइंगल के कोर्स पर। ये एंगल क्या है आपका वोल्टेज करंट के बीच में, यानी कि इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा अपेरेंट और ट्रू पावर के बीच का एंगल है कौन सा आपका, ये फाई एंगल फाई। तो पावर जो हमारी जो अपेरेंट पावर है वो क्या हो जाती है आपकी, वी इंटू में आई। अब आती है बात हमारी रिएक्टिव पावर की। रिएक्टिव पावर क्या कहता है, वो कहते हैं कि रिएक्टिव जो पावर होती है ना, अब देखिए जो एवरेज पावर की मैंने बात की ना, ये जो एवरेज पावर है, ये हम कंप्लीट साइकिल इसकी अपनी यूज़ करके मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन मेथड से हम इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, तब भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी ट्रू पावर की, वी इंटू में आई। अगर हमारे रिक्वायर्ड होगा आप बता देना, तो ये पूरे की पूरी कैलकुलेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में है नहीं आपका अभी, डिप्लोमा में पूरी डेरिवेशन नहीं है नए सिलेबस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं उठाया, सिंपली आपको समझा दिया है। नहीं तो ड्राई इंटीग्रेशन से हमारी ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये कौन सी ट्रू पावर वी आई कितनी होती है एवरेज पावर, यानी कि। अब आता है हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या चीज़ है, वो कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन एंगल के साथ प्रोडक्ट किस किस का है, वोल्टेज का और करंट का, उसे हम बोलते हैं अपनी रिएक्टिव पावर। और ये जो पावर है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वी ए आर, यानी कि वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। क्यू क्या होता है हमारी, यानी कि रिएक्टिव पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वी आई आर गुणा में एंगल कौन सा रहेगा, साइन फाई। ठीक है, अब ये जो पावर है ना, इसका दूसरा नाम रिएक्टिव पावर को हम बोल सकते हैं, इसके दूसरे नाम से आ सकती है, किसी कोई पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि वाटलेस पावर को रिप्रेजेंट कीजिए, या बोल देता है क्वाड्रेचर पावर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपने वहाँ पे किसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना बताना है अपनी रिएक्टिव पावर, क्योंकि रिएक्टिव पावर का दूसरा नाम क्या है, वाटलेस पावर है या क्वाड्रेचर पावर है। अब ये जो पावर है ना, यहाँ पे हमारा रेजिस्टिव लोड से रिच का कोई रिलेशन नहीं, ये हमारी टोटली किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिव पावर कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम कुछ भी नहीं होती है, कहाँ पे किस कौन से लोड से इसका कंसर्न है, ये हमारा इंडक्टर यानी कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड से अगर किसी पावर का रिलेशन है तो वो क्या होती है आपकी रिएक्टिव पावर। देखिए जैसा कि हमने पीछे भी किया था, या तो आपका इंडक्टर है वो क्या करता है, इंडक्टर भी पावर जीरो कंज्यूम करता है, जीरो पावर क्या करता है, हर साइकिल में आपकी पावर क्या होती है, कैंसिल होकर हर कंप्लीट साइकिल में एवरेज जो पावर बनती है वो क्या बनती है आपकी, जीरो वेव फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आपको पीछे थोड़ा सा रिकॉल करूँ मैं लास्ट वीडियोज़ को, तो इंडक्टर लोड है या आपका कैपेसिटिव लोड है, दोनों केसेज में हमारा जो पावर कंजप्शन था ना वो जीरो था, एवरेज पावर कंजप्शन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में हमारा एवरेज जो कंजप्शन है पावर का वो जीरो हो जाता है। क्यों होता है, देखिए अगर हमारा इंडक्टर है तो वहाँ पे हमारी पावर जो है ना क्या जनरेट होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे हमारा साइकिल जीरो पे जाता है ना, अपना हाफ साइकिल के बाद क्या करता है वो लोड ट्रांसफर कर देता है, यानी कि सप्लाई कर देता है उसी मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, सोर्स को, सोर्स देता है लोड को, लोड सोर्स को, यानी कि ये चक्कर चलता है टू एंड फ्रो। इसी तरह कैपेसिटर में वही चीज़ हमारी जो एनर्जी है ना किस फॉर्म, यानी कि पावर किस फॉर्म में यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती रहती है, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वहाँ पे स्टोर होती रहती है, और वही हमारी बार बार किसको चले जाते हैं, सोर्स को चले जाते हैं, यानी कि हमारा अगर एक्चुअल में कंजप्शन देखें पावर का तो क्या होता है, कंप्लीट साइकिल में जीरो कंजप्शन रहता है, किस लोड में, इंडक्टिव या कैपेसिटर, यानी कि इंडक्टर लगा हो कैपेसिटर लगा हो अगर लोड में आपने, तो वहाँ पे हमारी पावर कौन सी होती है, रिएक्टिव पावर, ये पावर होगी हमारी कौन सी, रिएक्टिव पावर। अब आती है हमारी अपेरेंट पावर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपेरेंट पावर इस ट्राइंगल से ही, ये इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ द आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज नोन एज द अपेरेंट पावर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम लिखते हैं, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, वी ए किलोवाट में, की के वी आ जाएगा या मेगा वी ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसी चीज़ को
ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो हमारे सिलेबस के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारे तीनों चीज़ों को हमने कहा क्या अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, इतना ही आपके लिए काफ़ी है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बीटेक के लिए भी इतना ही काफ़ी, अगर इतना आप लिख देते हैं ये सब कुछ बातें तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है इस तरह के पावर को समझने में। अगर हमें इसके बाद हमें करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब इतना इसको अच्छे से, अगर कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कुछ, जैसे कि आपका किसी भी बच्चे को समझना एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल की आरएमएस वैल्यू पावर की कैसे निकालते हैं, सब कुछ भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड से मैथमेटिकली सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना बच्चों और सब्सक्राइब भी कर दिया करो जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं। थैंक्स फॉर द ऑल्ड सब्सक्राइबर्स, बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।